वालेकुम, वेलकम बैक टू एफएल लॉक्स ऑफिशियल। तो भाई अभी शेर ही है और अभी मैं उठा हूँ। सो तो नहीं रहा था लेकिन लेटा हुआ था, तो मुंह हाथ वगैरह धो के अभी थोड़ा फ्रेश होके मैं उठा हूँ। शेरी का टाइम है और ये पता नहीं क्या किचन में कितनी देर से किचन में कुछ कर रहे हैं। वाइफ कर क्या रही है किचन में, पता नहीं क्या कर रही है, काफ़ी देर हो गई है। और देखता हूँ मैं जाके आखिर क्या क्या खिलाने का चक्कर है। ऐसे नहीं कुछ उल्टा सीधा ही ना खिला दें भाई, चल के देखते हैं। क्या कर रही हो ये तुम रात से? मसाला बन रहा है। मसाला? कौन सा मसाला? ये मसाला में बोटी कब होती है? ब्रेड रोल मसाला। वाओ वाओ, मसाले को छोड़ो, अभी शेरी बना के दो। मसाला नहीं खाना हमें, शेरी में शेरी बना के दो। अरे शेरी कैसे बनेगी? मसाले मसाले को बंद करो, शेरी बना के दो। शेरी जरूरी है, मसाला अभी नहीं खाना। हो गया। ठीक है, बंद करो उसको, चलो जल्दी शेरी करो। ये आलू छिल रहे हैं इस वक्त, आधा घंटा है नहीं सर शेरी में, कब बनेंगे? नहीं बन सकेंगे। यम्मी, हैंड वॉश डाल के बनाए? हाँ डाल दो हमें इसमें। हाँ हार्पिक डिटोल डिटोल डाल दो। ओ आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। मैं भी बनाना चाहता हूँ ना, मैं सीखना चाहता हूँ, कोई रेस्टोरेंट खोलूंगा अपना। शेफ एफएस लॉक्स ऑफिशियल। वो खाना तो मेरा मन पसंदीदा काम है खाना। हाँ डिटोल डाल के देखो ना, इसका टेस्ट आएगा। चुप! ओए गिर रहा। आज मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ कि फुफियाँ हैं मेरी, वो भी रोज़ा रखती हैं, जाहिर सी बात है। तो वो शेरी जो है ना थोड़ा जल्दी कर लेती हैं, हर काम जल्दी कर लेती हैं। तो जाके देखते हैं नीचे कि उन्होंने की है शेरी या अभी तक नहीं की। मेरे हिसाब से तो शेरी वेरी कर ली होगी उन्होंने गारंटी से, और हमारी अभी शुरू हुई है बनना, आलू छिल रहे हैं। तो जाके मैं दिखाता हूँ नीचे कि उन्होंने शेरी की है या नहीं की। मुझे लगता है कि वो करके शेरी एकदम चिल्लो के बैठ गए होंगे। तो जाके देखते हैं क्या सीन है। अका भी शेरी कर ली? हाँ कर ली। अरे हम, मेरी तो अभी बनना ही शुरू नहीं हुई है। जल्दी कर लेते हैं। रोजा एक घंटा ज्यादा बड़ा रखते हो, खोलते भी आधे घंटे के बाद हो? हाँ। और रखते भी आधे एक घंटा पहले हो? खोलते टाइम पे, टाइम पे खोलते हो लेकिन रखते एक घंटा पहले। अरे फूफी, अरे दोनों ने एक जैसा पहना हुआ है कपड़ा। शेरी कर ली फूफी? हाँ। ये क्या है, अब चाय पी रहे हो बस? बाकी खा लिया सब? सब कुछ खा लिया। ओके हो गए, अब आखिर में चाय पियेंगे। हाँ और फिर गिर जाएंगे? नहीं, फिर उसके बाद विदू करेंगे। हाँ नमाज के लिए ब्रश करेंगे फिर। अच्छा नमाज पढ़ने से पहले विदू होता है? हाँ विदू ही होता है। हाँ फिर नमाज पढ़ते हैं फिर जाहिर है। मैं नमाज पढ़ के फिर विदू करता हूँ। स्पेशल यार, ये मुझसे थोड़ी गलती हो गई, अब मैं भी पहले विदू करूँ फिर नमाज पढ़ूँ। अच्छा तो मतलब ये कर लिया, अब चाय पी के मतलब फिर जब अदान आएगी तो पानी पी लेंगे, रोला जो हो गया ऐसे ना। तो मेरा अभी तक बन रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है, बनना भी नहीं है, स्टार्ट हुआ है बनना अभी। वो आलू छिल रहा है, टाइम भी कम होता जा रहा है ना, वही बात कर रहा हूँ ना। लेकिन आखिर पहले रोजे से ही ऐसे क्यों करते हो? साढ़े तीन बजे खत्म कर देते हो? मैंने फिलहाल ये माउंट की, मैंने बोला था ना गारंटी से ये लोग करके चिल होके बैठे होंगे और चिल बैठे थे। तो भाई जल्दी से शेरी कर ली, और मैंने बताया आपको वैसे ही देर हो गई थी, और आज हमें सबसे ज़्यादा देर हो गई। इतनी देर हमें इस रमज़ान में आज तक नहीं हुई जितनी आज हो गई, और आज हम जाग भी रहे थे फिर भी देर हो गई। तो खैर जल्दी जल्दी से फिर जो है मैंने शेरी की, मैं भूल गया वीडियो बनाना और टाइम भी नहीं था वीडियो बनाने का। तो जल्दी जल्दी से शेरी की, और अभी सायरन बज गया था तो जल्दी जल्दी ब्रश वगैरह करके नमाज पढ़ के अब सोऊंगा, फिर सुबह उठ के यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो नमाज पढ़ते हैं और फिर सोते हैं, लेकिन सोएंगे क्या, बस दो घंटे की झपकी लेनी है फिर उठ जाना है। यार क्या करेंगे यार, यही लाइफ है। तो वही मैं ऑफिस से आके सो गया था, और अभी मैं उठा हूँ थोड़ी देर है इफ्तारी में, और आज काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब है, सर में बहुत दर्द है, और मुझे मेरा रोला टूटे टूटे बचा है, मुझे वोमिटिंग हो रही थी, मैंने पता नहीं बड़ी मुश्किल से रोकी हुई है, लेकिन अभी थोड़ा बेहतर है, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी आ सकती है, लेकिन बस रोला हो जाए खैर खैर, ये सब फिर होती रहे, कोई परेशानी नहीं है।
तो मैं देखता हूँ ये सब तैयारी कर रहे हैं किचन में, क्या मेरे कोई पसंद की चीज़ या मेरे काम की चीज़ बन भी रही है या बस अपनी पसंद की बना रहे हैं, देखते हैं चलते। तो भाई ये चीज़ें ऐसे अभी इन्होंने पकाई नहीं है, अभी पड़ी हुई हैं और रोज़ ऐसे होता है, रोज़ देर हो जाती है। तो फिलहाल बस मुझे तो ये बना के दे दें, ये बहुत है मेरे लिए, सच में भी बहुत है मेरे लिए। और ये वो रात वाले ब्रेड रोल है और ये नई चीज़ है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो भाई इफ्तारी वगैरह कर लिए, कपड़े वपड़े कर लिए चेंज, अब जा रहे हैं बाहर। जब तक जैसे ही ईद करीब आ रही है ना, इफ्तारी के बाद रोज़ कहीं ना कहीं जाना होता है, ज़रूर जाना होता है, कुछ ना कुछ काम बढ़ते रहते हैं। और चांद रात पे तो ऐसे होता है जैसे लगता है कि बस चांद रात नहीं है, कोई काम काज की रात है, बस बंदा इधर से उधर भाग रहा होता है, पागल हो रहा होता है, नमाज पढ़ के और फिर जाके सोते हैं तो ऐसा सोते हैं कि लगती नहीं है कोई ईद है, लेकिन ईद ही लगती है। वो सारा दिन सोने का चिल हो रहा होता है बंदा, नहीं रोज़े की टेंशन, नहीं कोई काम, बस चिल होके सोना होता है, तो ये बड़ा मज़ा आता है। तो ये ऐसे गुजरती है ईद। तो खैर अभी हम जा रहे हैं बाहर, कुछ अम्मी के लिए मुझे गिफ्ट लेना है और एक आध चीज़ें और लेनी है, वाइफ को भी जाना है, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ लेना ही होगा। चल झूठा। तो जाते हैं, देखते हैं आज क्या होता है। ये आ गए हैं अब यहाँ पे, दोबारा क्या कर सकते हैं, जल्दी ले लो जल्दी। ये तो सो रही है तुम, ले लो जल्दी, ले लो जल्दी, आज बहुत रश है, गर्मी में बहुत है। एसी पता नहीं क्यों नहीं चलाया हुआ इन्होंने यार, तो एसी नहीं चल रहा है अभी भी यार, हालत ख़राब हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं बेकार, यहाँ से तो ले लो, सब घूमना ज़रूरी है, आइडिया दे, यहाँ पे तो अच्छे होते हैं, मुझे सब अच्छे लग रहे हैं, ले लो बस। यार एक छोटा सा गिफ्ट लेने में इतनी देर कि दिमाग ही घूम जाता है यार, हद करते हैं यार, बेलार हो जाता हूँ कभी कभी मैं बहुत, लेकिन क्या कर सकते, ईद है भाई, ईद का बहाना है, क्या कर सकते, जो बोलो यार जल्दी करो यार, ईद है यार, जल्दी करो देर हो चुकी, ईद है यार, अरे यार तुम क्या हो गया। भाई काफ़ी देर लगा दिए एक दो गिफ्ट लेने में, ये सही बात नहीं है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मुझे खुद को जो लेना था ईटर लेना था तो वो तो मैंने अभी तक दिया ही नहीं है। तो यहीं चेक करा तो ये यहाँ पे हम आए चेक नहीं करने लेने आए, गया सिल्वर है, चेक नहीं कराया। अच्छा और इसके अलावा वो तो पता है ना, कोई और पसंद नहीं आए तो इंडियन वही लूंगा ना जो लेता हूँ, उसके अलावा कोई और दिखाए, बस ये तीन है और वो मछली शेड वगैरह नहीं, मुझे तो दूसरे कोई पसंद नहीं आ रहे दूसरी जगहों पे भी, तो ले देके वही जे डॉट पे जो मैं दो यूज करता हूँ उनमें से एक ले लेता हूँ बस, मुझे अभी बस गर्मी बहुत लग रही है और जो बेबी भी है वो भी परेशान हो रही है तो बस वही ले लेते हैं। ले लिया हमने जो ऑलवेज यूज ले लिया हमने जो हमें लेना था, आप जल्दी से जाते हैं घर, थोड़ा एसी में बैठ के चाय शाम पीते हैं ताकि थोड़ा बंदा रिफ्रेश हो। तो इनका हाल देखें, पार्किंग हो गई है फुल, लेकिन ऊपर से ये लोग पर्ची लेकर और नीचे छोड़ते जा रहे हैं लोगों को, बता नहीं रहे कि पार्किंग फुल है, आप बाहर खड़ी कर दो कुछ भी करो, आग लगा लो अपनी गाड़ियों को, लेकिन नीचे पार्किंग फुल है। ये बड़ी घटिया हरकत कर रहे हैं ये लोग और हमेशा ही करते हैं स्पेशली इस मॉल में, और इस मॉल की यही गलत आदत है मुझे अच्छी जो नहीं लगती, वो ये है कि पार्किंग के पैसे भी लेते हैं और बताते भी नहीं है कि फुल हो गई है, भाई कोई फ़ायदा नहीं है। बड़ी मुश्किल से हमारी गाड़ी भी निकली है, आगे पीछे गाड़ियाँ लगी हुई थी कैसे रास्तों में खड़ी हैं और ये फुल ब्लॉक हो जाएगा और हो गया है पीछे। तो घर आ गए हम, तो ये आज के काम थे जो अभी मैंने किए, बस बेजारी हो जाती है जब गर्मी लगती है, सारा मसला है गर्मी का, जब गर्मी लगना शुरू होती है पसीने बहते हैं फिर मूड ऑफ हो जाता है बिल्कुल, और रोज़ रोज़ इनके साथ जा जा के दिमाग ख़राब हो गया बिल्कुल समझ ही नहीं आता, बस सब बेजारी होती है जैसे ही जाए बंदा। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर सब्सक्राइब लाइक FS Vlogs Official। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।